Hey guys, welcome to my channel Study Junction, and in this video I am going to discuss some of the very important questions of class 8 science chapter 2. तो ये पूरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी साइंस का, उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ. तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो. एंड अगर आपको मैथ्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप देखना चाहते हो एनसीईआरटी बुक में से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट मैंने प्रिपेयर की हुई है. सभी चैप्टर्स उसमें हैं, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हो. अब हम अगर चैप्टर 2 की बात करें, साइंस के चैप्टर 2 की, तो इसमें मैं आपको 4-5 कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताना चाहूँगी, ठीक है, जो हर बार आते ही आते हैं. एंड आप अपने किसी टर्म एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम, मिड एग्ज़ाम, जो भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसमें आप ये क्वेश्चंस को कॉमनली देखोगे. इनके आंसर्स भी गिवन है, तो आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ तो पैराग्राफ में, बट आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 से 3 मार्क्स के लिए. तो इसके कुछ आपको इतने ही पॉइंट्स भी गिवन है, तो वो आप पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से आप रीड आउट कर लो एंड आंसर अपना फ्रेम कर देना. लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद है डिस्कस हाउ डज़ अ वैक्सीन वर्क इन आर बॉडी. सो ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपको मिलेगा. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल वर्ड्स में गिवन है, आप इसको रीड करके अपने पॉइंट्स को फ्रेम कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट है, इज़ इट एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, वाई. तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है एंड इम्पॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है, तभी इस वीडियो में इंक्लूडेड है. तो इसे आप मैक्सिमम अपने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश करना. बस जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है. वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स. उसके बाद ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव्स, राइट डाउन द 2 वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिंग, ठीक है. फूड को आप किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा. एंड बहुत आपको अच्छे से इसका आंसर लिखना है, प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद वो वेज आपको एक्सप्लेन करने होंगे. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 5 to 6 लाइंस ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, यूजफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, बट हार्मफुल से ज़्यादा जो पूछा जाता है दैट इज़ यूजफुल. हार्मफुल तो सबको पता है, बट यूजफुल क्या है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इस तरह से आपको इसे प्रिपेयर करना है. प्रॉपर 6 पॉइंट्स गिवन है, इनको आप लिख देना, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो एंड इसको आप लिख लेना. उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये आई थिंक रिपीट हुआ है, कि हाउ डू वैक्सीन्स वर्क. यहाँ पर भी सेम ही आंसर है, तो ये रिपीट हो गया बाय चांस, ठीक है, बाय मिस्टेक. तो ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के. बाकी चैप्टर्स के भी मैं अपलोड कर दूँ, वो सीरीज़ फॉलो कर लेना. मैथ्स के ऑलरेडी बन चुके हैं एंड चैप्टर 1 आप देख लेना. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. Till then, goodbye.